संघर्ष करना बैच पढ़ लो ठीक छ अरे कल बारिश हुई थी तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है और भला बेड पर कोने में का तो अभी हम जो टंकी है पानी की उसको देखने जा रहे हैं। हमें कहाँ है और टंकी जाएंगे हम इसको ऊपर रखिए ना ऐसे में साफ आएगी तो धूप पड़ रही एकदम आपको शैडो दिख रही होगी पर कोई नहीं। अब देखो हमारे पास सामान क्या क्या है। तौलिया सर को ढकने के लिए टोपी होनी चाहिए थी। ये है रेन चाहिए देखेंगे कहीं पे अगर कुछ फंसा हो तो देखेंगे। फावड़ा है। अरे फावड़ा है फावड़ा दो चीज़ों के लिए तो मिट्टी सही करने के लिए अगर कल की बारिश से टंकी के वाटर फ्लो में कोई दिक्कत हो रही होगी तो और दूसरा कुछ जंगली जानवर मिल जाए तो आप वो तो दिखाई आज हमारे यहाँ रोपनी भी शुरू हो गई है। चलो हम दिखाते बैक कैमरा से। ये गाँव का अनिल है और ये रुपाई चल रही है यहाँ पे। हम भी इसका एक स्पेशल ब्लॉग डालेंगे रुपाई का अगला ब्लॉग इसी को और उसमें अनिल आयकर हाय जोर से बोल तो कलम बनाएंगे कल या परसों हमारी भी रुपाई होगी उधर खेतों में। चलो फिर अब चलते हैं और ये अमित है ये जनहित में कार्य कर रहे हैं। कांटे थे यहाँ पे कांटे हटाए इन्होंने। तो भाई लोग ये देखिए जहाँ पे हमने पहला ब्लॉग बनाया था याद होगा नहाने का क्या हालत कर दी है प्रकृति ने इसकी। जो प्रकृति के साथ खेलेगा प्रकृति उसके साथ खेलेगी। ये क्या है ऊपर रोड बन रही थी बडोन वाली तो उसकी सारी मिट्टी बह के लूज मिट्टी होती है तो हम यहाँ नहा रहे थे उस दिन यहाँ पे याद होगा। ये पत्थर ये सारा तो बह गया है यहाँ से। ये देखो कितना ऊँचा ऊँचा ये आ गई मिट्टी यहाँ पे देखो जरा यहाँ से डुबकी लगा रहे थे हम यहाँ तक पानी था सब खत्म कर दिया है। तो प्रकृति के साथ कोई नहीं जीत सकता है क्या बताएं अब यार कहाँ ना आए हम अब। तब अमिंटो स्विमिंग पूल है नीचे पे उसमें भी बहुत सी रेत आ गई है तो हम अभी थक गए हैं चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। वो नीचे नदी से हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए अभी अम्मी तो बैठ गया है बेचारा इसके बस की नहीं है फिलहाल तो। मैं थक गया रे चिंकी मैं थक गया। चिंकी इसकी गर्लफ्रेंड है बोल रहा है तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी समझ नहीं आया मेरे को तो अभी तक। एक बात तो है हमारे आसपास की सुंदरता दिखाएंगे हम आपको। ये इसने कोई फेयर एंड लवली या कोई सैंडलवुड पाउडर मुल्तानी मिट्टी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि फेयर यूज नहीं करना किसी भी प्रोडक्ट। तो आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते 100% कि गोरा कर देंगे। आप स्किन को ग्लो करवा सकते हैं लेकिन रंग भेद उस पर यह उसके अगेंस्ट है ना तो इसलिए चले फिर हेलो खड़ू चल चल रहे हम अब टारगेट पानी की टंकी है। चलो फिर टाटा आई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है 45 degrees है हम वहाँ से आए हैं बिल्कुल। तो ये चढ़ाई चढ़ रही है ऊपर चढ़ाई तो वही है हम चढ़ रहे हैं ऊपर तो देखते हैं। एक बार मैं इस पेड़ में चढ़ा हुआ था जब 2007 या 6 की बात है तो यहाँ पे से मेरे जेब में फ़ोन था और मैं गाना सुन रहा था कोई रैप था पता नहीं तो वो नीचे गिर गया फ़ोन नीचे तो मैं आधे घंटे तक तो फ़ोन ही ढूंढता रहा वहाँ पत्तों के अंदर दूसरा फ़ोन भी नहीं था जो फ़ोन करे उस पर। तो एक काम करता घर फ़ोन करता कि फ़ोन करो मेरे फ़ोन मम्मी मेरे साथ थी तो अपनी मम्मी के फ़ोन से घर फ़ोन करता कि मेरे फ़ोन पे फ़ोन करो। हमारे पास एक ही फ़ोन था जब तो घर मेरे फ़ोन पे करता ना फ़ोन। अरे यार उस टाइम हमारे मोहल्ले में एक ही फ़ोन था जो हमारे पास था सबसे पहले फ़ोन हम दे के आए ठीक है नहीं नहीं भाई हम लाए थे 2007 में हाँ नोकिया 1208 था वो पड़ा था हमको 2200 हम क्रिक बज में स्कोर जिस दिन क्रिस गेल ने 175 रन मारे थे। नहीं वो तो दूसरा था वो दूसरा था वो तो नोकिया C101 था वो नोकिया C10 तो बहुत खड़ी चढ़ाई है तो पहले
यहाँ पे केबल भी नहीं थी, यहाँ ऊपर गांव है, डिश टीवी भी नहीं थी। ये पैदल का रास्ता है, बहुत खड़ी चढ़ाई यहाँ पे, रोड चली गई है लेकिन रोड ने सब तहस नहस कर दिया है। क्या बताएं आपको, ये सारी मिट्टी रोड की वजह से नीचे आ रही है, पहाड़ फाड़ दिए, चीर दिए बीच में, वहां देखो पहाड़ों पे जैसे फोड़े बना दिए। ओफ, अब चढ़ाई खत्म हुई है और यहाँ पे संभल के आना पड़ेगा, ऊपर कांटे हैं। चलते हैं हम अब आगे, और यहाँ से बिल्कुल सीधे नदी है नीचे, उसने कांटे हटा दिए, जनहित में कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद अमित का, एक अच्छा काम किया इन्होंने। अभी चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए जंगले लगाए थे लेकिन तार नहीं लगाए, तो कोई फायदा नहीं इनको लगाने का। होगी हमारी ये कोई सेंस का किस बात का है, ये समझ नहीं आया। यहाँ पे पहले तार लगे हुए थे ताकि कोई नीचे न गिरे, यहाँ पे खड़ी ढलान है पूरी 90 डिग्री की, कोई नीचे न गिरे इसलिए ये भी। तो तार कहाँ गई, तो वो तार जंगली जानवर थोड़ी खाता है तार यार, नहीं लेके गए लोग, चोरी करके लेके गए घर के लिए, घर में बाढ़। तो ऐसे लोगों से निवेदन है जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि चोरी करने की नीयत खराब है कि घर पे हमारे काम आएगा ये, तो ऐसा नहीं है, ये भी तुम्हारे काम के लिए लगा रखे। आपका चोरीपन किसी और की जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता है। कोई नीचे गिर गया तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। चलिए तार की जगह पाइप रहे हो, हाँ ये भी हो सकता है पाइप रहे हो, इसमें मुझे तो पाइप ही लग रहे हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना रहा हो इसमें, कि जिसने काम करवाया ढंग से नहीं करवाया हो। चलो कमेंट कर दें कि जिसने भी काम करवाया और कौन लेके गया है, फिर हम आगे की कार्यवाही करेंगे। हम डरा नहीं रहे, बस जनहित के लिए, जनहित के लिए आज कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो, चलो चलो फिर ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके ओके, बाय बाय बाय। पता नहीं अमित को किसका कॉल आ रहा था, स्पॉन्सरशिप के लिए फोन आ रहा है हमारे के लिए। क्या आ रहा है अमित, स्पॉन्सरशिप के लिए फोन। ओ भाई तो अगली वीडियो में हम स्पॉन्सर करेंगे। देखिए आजकल इधर बाघ वाघ भी बहुत घूम रहे हैं, भालू भी। मजाक कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप के लिए फोन आ रहे हैं हमारे 180 सब्सक्राइबर में जिनके 200,000 सब्सक्राइबर है वो, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ ऊपर बहुत बड़ा गदेरा है। ये सब रोड के कारण हुआ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी मिट्टी आई हो। तो ये रोड से जो मिट्टी नीचे फेंकी है लूज में इन्होंने, पर्दन सबसे ज्यादा है इनकी वजह से, तो वो लूज मिट्टी तो बंद नहीं पाती है, तो इस चक्कर में क्या सारी की सारी नीचे गिर गई है। और जब वो नीचे डंपिंग जोन बनाना चाहिए था, एक डंपिंग जोन जैसे NH-7 में बना रखा है। चलिए अब मिलते हैं आपसे टंकी में, अभी के लिए भाई ये यही वो पानी है जो भूमिगत जल है ऊपर से, यहाँ पे तो बाहर दिख रहा है, इसकी आवाज सुनाते हैं आपको, बड़ी प्यारी आवाज है। पहले इतने बड़े बड़े पेड़ थे, धूप नहीं पड़ती थी, लेकिन अब धूप पड़ने लग गई है तो पेड़ कम हुए हैं। यहाँ जो भालू रहता है रिक बोलते हैं उसको, रिक भी चोड़ जाओ भाई साहब, आपको दादी पड़ जाओ, पर जैसे ही आपको पता हो आप आए रिक आपकी दादी पड़े, तो उद के लिए धन किसी धन नीचे के लिए रेस नीचे के लिए। अब लॉजिक देखो क्या है इसका, है ना, कि जब रिक मतलब पिसने पड़ दो तो लोग बोलते हैं उद धन क्यों चढ़ो बोल किले के, बाद रहना लंबा लंबा और मुखा अंगने चंदन वे दिखे नहीं तब कर। और मैं छबो ना कर रिको को मॉडर्न रिको लो वे को हेयर बैंड सरे ओल पहरे तो वे तो छाटी बचाटी लगे देड़ी तुम्हारी बाकी वो चीर फाड़ कर देगा भाई साहब, वो चोड़ेगा रही मेरी तरह होगा, हेयर बैंड पहनता होगा तो रिक है मैं रिक नहीं हूं, मैं रिक प्लस हूं। अब ये देखिए यहां क्या है कि बहुत से लोगों ने कनेक्शन लिए हुए हैं, ये है मलिकावली लाइन, तो आप यहां पे देखेंगे ये पाइप है ये, और ये वहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है उससे, तो इन्होंने 2-3 जगह से कनेक्शन ले रखे हैं कि वहाँ अगर बंद हो गया तो यहाँ से इनको पानी मिलता रहे। वहाँ से देखिए वहाँ पे ज्वाइंट होगा, वो देखिए टी ज्वाइंट है, और एक अलग से सेपरेट लाइन भी है उधर से, तो उन्होंने 2-3 कनेक्शन ले रखे हैं कि वो प्लान है उनके बैकअप प्लान, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं हम अपनी लाइन कहाँ पर, यहाँ तो पूरी मिट्टी भरी हुई है और ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हम इससे पहले तो कभी आए नहीं हैं, घर में बड़े लोग हैं नहीं जो आते थे, अभी तो हमको ही आना पड़ा है। चलिए देखते हैं, मुझे जहाँ तक याद है एक बार आया था बचपन में, तो वो जो जिसमें ये बहुत बड़ा वो सिल्ली है ना वो है शायद हमारी, तो चलो फिर। और पाइप का साइज यहाँ मोटा होगा, आगे जाके शायद वो पतला हो जाए ना, वो लाल वाला पाइप,
कौन सा पाइप। चलिए देखते हैं। देखिए अभी आपको सिनेरियो दिखाते क्या सीन है यहाँ का। सबसे पहली बात, यहाँ पे पहले टंकी थी पुरानी, वो जो दो आउटलेट दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, यहाँ ऊपर क्या हुआ, रोड बना इन्होंने दिवली के लिए, तो उसका जितनी भी मिट्टी है सारी की सारी बार बार इधर गधेरे के रास्ते आ जाती है इधर। ये देखिए, ये परसों कुछ लोग आए थे भाई लोग, उन्होंने साफ़ करा हुआ है शायद, उनका धन्यवाद। पर ये अभी भी हमारी पाइप पे पानी नहीं जा रहा है। तो एक तो मलेथा वाली लाइन होगी यहाँ, और दूसरी है ये दुगड्डा वाली लाइन, तो ये सिल्लियाँ हटानी पड़ेंगी। देखना अंदर से कनेक्शन है कि पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा उसमें, तो वो देखना पड़ेगा हमको पहली बात। और दूसरी बात है कि वो पानी जो उधर जा रहा है वो किसी काम का नहीं है उधर से, तो वो तो यहाँ से भी बाहर निकल तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ इनपुट देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब ही हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करना है। पहले ये सिल्ली हटाएंगे, मगर हम हटा पाए तो बहुत भारी है ये, 30-40 किलो की होगी, ठीक है फिर। पूरी इधर के लिए, और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ एक तो ड्रेन का पाइप है उधर, वो दिख रहा होगा आपको, ड्रेन का पाइप है, ये पलेता वाला की लाइन है और ये दुगड्डा की लाइन है इसमें। तो हमको लगता है कि इसमें मिट्टी फंस चुकी है, मतलब दलदली मिट्टी फंस गई, तो पानी का एंट्रेंस नहीं हो पा रहा, जिससे पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो पानी है, पानी में हम काम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, तो पानी की सप्लाई को पहले वहाँ से हम बंद कर देंगे, उधर के लिए तोड़ देंगे पानी को, फिर ये टंकी का पानी ड्रेन करेंगे हम लोग, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कमियां हैं वो पूरी करेंगे और दोबारा से पानी चालू करेंगे इसमें। तो चलिए करते हैं। यमकान तो उड़िया माती डाइवर्ट कर देंगे हम पानी का फ्लो, जिससे हमको दिक्कत ना हो और साफ पानी जाए। बेक पानी के लगाएं यार, ये हटाओ ना, ये हटाओ ना बड़ी। तो गाइस ये तो आउटलेट का था ड्रेन, हमने जितना पानी ड्रेन करना था वो कर लिया है, और इधर कुछ मछलियां भी, इनको हम अभी बाहर फेंकने वाले हैं यहाँ से दूसरे पानी में, साफ पानी में। और ये है एक लाइन, ये है, ये फिल्टर है, छेद छेद दिख रहे हैं आपको, एक फिल्टर ये है, दूसरा फिल्टर ये है, पाइप है, फिल्टर भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सा कबाड़ फंसा हुआ है, और ये मिट्टी भी जस्ट इसके यहाँ पे है, तो मिट्टी भी साफ करनी पड़ेगी हमको। और यहाँ से देखे ये पानी आ रहा है, ये फिल्टर हो रहा है यहाँ से भी, ये भी लगा रखा है, तो इसको साफ करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर फंसा हुआ है जो सही है, वो पानी पानी आ रहा है, कुछ मिट्टी नहीं आ रही, फिर साफ़ करेंगे तो दोबारा से मिट्टी आएगी, तो इसलिए साफ़ नहीं करना है इसको, हमको ये साफ़ करना है। और हमारे पास केवल फावड़ा आया, तो उससे बहुत टाइम लगने वाला है, तो चलिए फिर देखिए। हमने एक तो निकाल लिया फिल्टर, दूसरा निकाल रहे हैं हम अभी, फिर इसकी सफाई करेंगे, और सफाई करने से पहले फिल्टर लगाना जरूरी है क्योंकि पानी पूरी तरह निकला नहीं है, तो इसके अंदर मिट्टी है बहुत सारी, तो इसको झाड़ना पड़ेगा, ये काम अमित करेंगे। और अभी हम एक दिन उसकी चूड़ियां मत तोड़ना आप, बस ये देखिए इतनी सारी है, तो मिट्टी निकली है इससे, और भी फंसा हुआ है, अभी धोना है उसको, फिर अभी ये मिट्टी साफ करनी है पूरी यहाँ से। देखिए सारे होल से पानी निकलना चाहिए, और पानी भी होना चाहिए टंकी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और ये मिट्टी पत्थर नहीं आना चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए भी दिक्कत हो रही है, ये जो पूरा भर चुका ऊपर तक। तो अभी इसको भी साफ़ करेंगे हम टंकी को, हमने मछलियाँ निकाल दी हैं बाहर, वो बाहर फेंक दिया उस पानी में, तो फिर चलो अब साफ़ करते हैं इसको जितना हो सकता हमसे 15-20 मिनट में। Yeah, I don't know, it's suddenly you're gone.
You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me running. मिट्टी बाहर निकाल ली है, यहाँ फेंक दी, कुछ वहाँ फेंक दिए, फिल्टर भी साफ कर लिया है हमने, फिल्टर भी पानी को ड्रेन कर दिया जो गंदा था भी है, क्योंकि ड्रेन का लेवल ऊपर है तो पूरा पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। हम इसको खोलेंगे तो ये पाइपलाइन के थ्रू जाएगा नीचे पानी, तो थोड़ा गंदा आएगा, इससे भी बाहर आएगा, आधा घंटा के लिए गंदा पानी आएगा लोगों के यहाँ, फिर साफ हो जाएगा अपने आप ही जैसे पानी मिट्टी नीचे बढ़ जाएगी। तो अब हम यहाँ सप्लाई खोल देंगे वहाँ से पानी की, और उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। अरे रुक जा रुक जा, गेट बंद कर। सप्लाई पानी की उधर तो डालों का बिगाड़ना, ठीक है ठीक। हम बहुत थक गए हैं अभी, हम आ गए हैं घर वापस, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पियेंगे घर जाके, अब सफाई कर दी है वहाँ पे, पानी या तो आ गया होगा या फिर हमारे पीछे आ रहा होगा या साथ में चल रहा होगा पाइप पाइप में, और अब हम घर जाएंगे। चलो फिर बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, शायद हम रुपाई करें धान की। बाय 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 कर वे बाय।